Reynolds number R determines whether or not the flow of the liquid through the pipe is streamlined. तो ये हमें ये बताता है कि जो लिक्विड में लिक्विड फ्लो हो रहा है पाइप में वो स्ट्रीमलाइंड है या नहीं. स्ट्रीमलाइंड का मतलब होता है, देखो दो टाइप के फ्लो होते हैं, एक लिक्विड का बहुत ही प्यार से फ्लो होना, इसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइंड फ्लो. दूसरा लिक्विड का मिक्स हो के फ्लो होना, जब झाग निकलती रहती है बहुत तेज पानी, मतलब कोई छींटे गिर रहे हैं बाहर की तरफ, उसको टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं. टर्बुलेंट फ्लो मतलब कि घूम घूम के लिक्विड बाहर आता है, और स्ट्रीमलाइन में बड़े आराम आराम से लिक्विड मूव करता है. चलो हमारा इसमें काम नहीं है, बस रेनॉल्ड्स नंबर है. रेनॉल्ड्स नंबर इज अ कांस्टेंट एंड किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी वी रेज़ टू पावर ए, डेंसिटी रो रेज़ टू पावर बी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी रेज़ टू पावर सी. फिर एक लाइन एक्स्ट्रा गिवन है, गिवन दैट रेनॉल्ड्स नंबर आर वेरीज डायरेक्टली एज अ डायमीटर डी ऑफ अ पाइप. वेरीज डायरेक्टली का मतलब जब मैं ये बोलता हूँ एक्स प्रोपोर्शनल टू वाई, तो यानी कि दोनों की डिग्री वन है, पावर वन है. तो आर वेरीज एज डी का मतलब है आर डी के साथ लीनियरली रिलेटेड है. तो क्या है पॉइंट, क्लियर है यहाँ तक? रेज टू पावर वन. आप सोच रहे होंगे रेज टू पावर डी क्यों नहीं किया, और आपने एक और चीज नोट की, यूनिट्स एंड डायमेंशन के अंदर जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो सिर्फ तीन टर्म्स तक ही चलती है. अब जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें ऐसा कभी नहीं देखा होगा फोर्स डिपेंड अपॉन रेडियस, फोर्स डिपेंड अपॉन वेलोसिटी, फोर्स डिपेंड अपॉन मास, फोर्स डिपेंड अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, फोर्स डिपेंड अपॉन ए बी, पांच पांच क्वांटिटीज पे क्वेश्चन नहीं आ रहे, ज़्यादा से ज़्यादा तीन पे आ रहे हैं, बस तीन पे ही आ रहे हैं. डायमेंशनल एनालिसिस की एक डिसएडवांटेज है बहुत बड़ी, वो क्या कि डायमेंशनल एनालिसिस तीन क्वांटिटी से ऊपर रिजल्ट दे नहीं पाती. अगर आप कहो ना चार क्वांटिटीज का रेज़ टू पावर डी कर दूंगा, पांचवी क्वांटिटीज पर ई कर दूंगा, आंसर नहीं आएगा, सही आंसर नहीं आएगा. तो ये परफेक्ट काम करती है जब ए बी सी बस, तो रिलेशन कितने कितने फिजिकल क्वांटिटीज का रिलेशन बनाती है, सिर्फ तीन, बस तीन क्वांटिटीज चाहिए. अब चौथी ली इसने, चौथी की पावर डी नहीं लेने को कहा, चौथी की पावर उसे लीनियरली बोल दिया, खुद इसने पावर दे दी कि चौथी की पावर क्या है इसमें, डी, क्योंकि उसको पता है चौथी की पावर देके फायदा ही नहीं है, स्टूडेंट निकाल ही नहीं पाएगा. तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपने याद रखना है. तो इसमें बस मिला लो, तो वेलोसिटी का मतलब एल टी माइनस वन, डेंसिटी का मतलब एम एल माइनस थ्री, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का मतलब एम एल माइनस वन टी माइनस वन, और डायमीटर का मतलब होता है लेंथ एल. ओपन कर लेंगे, एम की पावर एक तरफ, एल की पावर एक तरफ, टी की पावर एक तरफ, फिर कंपेयर करेंगे फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन. तीन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आपके पास ए बी सी की ये वैल्यू आएगी, ए बी और सी, वन वन माइनस वन आएगा, दिस इज द आंसर. मतलब इसमें सीखने वाला सिर्फ एक ही था कि जो लीनियरली या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर है उसमें डी की पावर क्या करनी है आपने, वन, बस. वैसे एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, चार चार क्वांटिटीज के क्वेश्चन आते नहीं है, मैक्सिमम तीन के ही आते हैं, ठीक है. रेनॉल्ड नंबर तो नंबर है, नंबर का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है, इसलिए लेफ्ट साइड पे M0, L0 और T0. कोई डाउट इसमें? ठीक है, ये सॉल्व खुद करना है, बस यहीं तक नोट करना, ABC मत नोट करना, हाउ टू सॉल्व ABC, ये अपना अपना काम है, ABC सॉल्व करना, यही तो प्रैक्टिस है, मेन बस यहीं तक करना है. नीट वाले कितने हैं यहाँ पे, मेडिकल वाले हैं? आसान पेपर आया फिजिक्स का बहुत नीट में इस बार, आपका मुझे पता नहीं क्या आएगा, इस साल तो इजी रहा, कट ऑफ ऊपर जा सकती है. चलो मैं करने का दूंगा सॉल्व, अभी फोर्थ जब चैप्टर होगा तो मेंस वालों को मेंस और नीट वालों को नीट, लेटेस्ट पेपर दूंगा करने के लिए, 100-100 क्वेश्चन है उसमें, एक असाइनमेंट में लेटेस्ट पुराने पेपर पड़े हैं मेरे पास, तो आप अभी तैयार नहीं है उसके लिए, अभी थोड़ा महीना लगेगा, एक महीने के बाद स्टार्ट होगा ये सारा काम, ऑब्जेक्टिव का कोर काम जो है तब तक आपका बेस बनेगा, फिर उसके बाद मैं दूंगा, ठीक है. तीन इक्वेशन तक हो गया, इसे सॉल्व करने आंसर आएगा, ठीक है. कोई डाउट इसमें? ठीक है यहाँ तक? ठीक है, ठीक है. नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट जो शीट है वो ये शीट थी, चेक करो, यही शीट है. तो आप लोगों ने ट्राई की होगी, और आप प्लीज डाउट पूछें, क्वेश्चन नंबर वन में डाउट,
ये सेवन नंबर है, कौन सी है? सेवन होएगी, सात नंबर होएगी, असाइनमेंट नंबर सेवन होगी। देखो ट्राई की, कितने लोगों ने सारे क्वेश्चन ट्राई किए हैं, किए, डाउट्स पूछे। जो नहीं कर रहे देखो, इन दी एंड रिजल्ट सामने आ ही जाएगा, करने वालों का और ना करने वालों का, बहुत सिंपल है। मैं बस एक एक करके पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर वन में डाउट आ रहा हूँ, वन से शुरू करेंगे। वन में डाउट देख लो, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं समझ में आ रही तो सही है। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है? सिंपल वेलोसिटी, कोई भी वेलोसिटी हो, एलटी माइनस वन। तो बाकी तो कर लोगे। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या होता है? एक्सेलेरेशन का एलटी माइनस टू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू में डाउट। हाँ, टू में टर्मिनल वेलोसिटी वी, चाहे वेलोसिटी कार की, चाहे ऑर्बिटल, चाहे टर्मिनल, टर्मिनल वेलोसिटी वी ऑफ अ स्फेरिकल बॉडी फॉलिंग इन अ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन। तो टर्मिनल वेलोसिटी है कोई, वो किस पे डिपेंड कर रही है? रेडियस ऑफ द बॉडी। तो वेलोसिटी वेलोसिटी है, डिपेंड्स अपॉन रेडियस ऑफ द बॉडी रेज टू पावर ए, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा रेज टू पावर बी, एंड विस्कस ड्रैग। मैंने बताया था विस्कस ड्रैग यानी कि फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को विस्कस ड्रैग बोलते हैं। तो ये क्या आएगा? एफ रेज टू पावर सी। तो क्या पॉइंट क्लियर है? इन्हें अगर हम कंबाइन कर लें तो कॉन्स्टेंट आएगा, क्लियर है? वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? एल टी माइनस वन, रेडियस का लेंथ, ईटा कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी काफी बार यूज होती है, एम एल माइनस वन टी माइनस वन, और फोर्स का एम एल टी माइनस टू। क्या स्टेप सबको क्लियर है? किसमें क्या पुट करना है? फॉर्मूला याद हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं, पर पता है कि क्या करना है, क्योंकि फॉर्मूले नेक्स्ट टाइम याद हो जाएंगे आपको, टेस्ट है ना फॉर्मूलाज का, तो वैसे याद हो जाएंगे, क्या टेंशन है। ठीक, अब अगली क्लास के बाद बस 15 मिनट का आपको 10 फॉर्मूले लिखने आधा दे करके लूंगा, पहले 25 फॉर्मूले, फिर अगले फॉर्मूले बस 10-15 खत्म, फिर सारों के फॉर्मूले, पहले सिर्फ 25, फिर अगली दो बार होंगे, हाँ जो बड़ी शीट में लिखे हुए हैं बस वही बेसिक बेसिक लूंगा यार। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जो बहुत यूज हो रहे हैं उनको तो करवाना ही पड़ेगा, क्या उसमें फॉर्मूले फॉर्मूले का ही टेस्ट है, याद तो वैसे भी करना ही है यार। हाँ ना ना, कोई प्रूफ नहीं, बस लिख देना, याद कर सकते हो टेबल में, याद कर लो बस, लिख दो है फोर्स का एमएलटी माइनस टू, डन, नंबर पूरे, वो तुम जैसे मर्जी लिखो, मन से चाहे तुक्के मारो, वन टू लग गया, वो आपकी मर्जी है, सही होना चाहिए। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट ये क्लियर है, तो यहाँ से वेलोसिटी एलटी माइनस वन है, यानी कि एम जीरो एलटी माइनस वन है, यहाँ पर मास रेज टू पावर बी प्लस सी हो गया, लेंथ रेज टू पावर ए माइनस बी प्लस सी हो गया, और टाइम रेज टू पावर माइनस बी माइनस टू सी हो गया। क्या ये पॉइंट क्लियर है? फिर एम की पावर एम के साथ, एल की पावर एल के साथ, टी की पावर टी के साथ। तो यहां से ये तीन इक्वेशन आएंगी, आगे लिखने की जरूरत नहीं है प्लीज, इन तीनों से ए बी सी आएगा, ए आ जाएगा आपके पास कितना, माइनस वन, बी माइनस वन, सी वन, तो आर की पावर ए है, बी है, सी है आंसर। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट बोलो। अगर हम हाँ हाँ लिख दो, v इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई आर ईटा, तो और भी अच्छी बात है, फॉर्मूला की फॉर्म में लिखना चाहिए, तो आंसर लिखेंगे f डिवाइडेड बाई आर इंटू ईटा। ठीक है, लेक्चर कंप्लीट हो गया था आपका, पिछला कंप्लीट है सारा यूनिट्स। ठीक है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, ऑनलाइन समझ में आ गया था? ठीक है, तो कर लोगे सॉल्व? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में डाउट, थर्ड में। ठीक है, गैस बबल ऑसिलेट्स द टाइम पीरियड टी, तो टी डिपेंड्स अपॉन क्या? स्टैटिक प्रेशर पी, प्रेशर स्टैटिक हो डायनेमिक हो कोई भी हो, प्रेशर तो प्रेशर है, फोर्स अपॉन एरिया, बात खत्म। तो प्रेशर पी, डेंसिटी ईटा, अब देखो उसे कंफ्यूज करने के लिए क्या किया, ईटा किसका सिंबल है? कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, उसने क्या लगा दिया सिंबल? ईटा। वो कहता जी मेरी डेंसिटी ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ठीक है यार, ईटा का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? एम एल माइनस थ्री। तो ये रट्टा नहीं मार सकते कि ईटा का मतलब एम एल माइनस वन टी माइनस वन है, नाम पढ़ना पड़ेगा कि किसको रिप्रेजेंट कर रही है। अगर ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होती एम एल माइनस वन टी माइनस वन, अगर ये डेंसिटी है तो एम एल माइनस थ्री। क्लियर है यहां तक? तो टोटल एनर्जी ई ऑफ दी, टोटल एनर्जी ई, तो करें टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन प्रेशर डेंसिटी एनर्जी ए बी सी। पहला स्टेप क्लियर, कंबाइन किया,
टाइम पीरियड का टी, प्रेशर का फॉर्मूला चेक कर सकते हो फोर्स अपॉन एरिया से, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। डेंसिटी का क्या होगा, एम एल माइनस थ्री। एनर्जी का क्या होगा, एम एल टू टी माइनस टू। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? तो इसमें एम की पावर ए प्लस बी प्लस सी, एल की पावर माइनस ए माइनस थ्री बी प्लस टू सी, टी की पावर माइनस टू ए माइनस टू सी। इसके बाद यहां एम और एल तो है नहीं, तो जीरो जीरो, तो एम एम की पावर एल, एल की पावर टी, टी की पावर, इक्वेट करके तीन इक्वेशंस। इन तीनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व आपने करना है, एबीसी आएगा। एबीसी कोई नहीं सिखा सकता। और आप ये सोचोगे मेरे को एबीसी निकालना सिखा, तो नहीं हो सकता। आपको खुद हिट एंड ट्राई करके सब्स्टिट्यूट सी को एलिमिनेट करके ए और बी में पुट करना पड़ेगा। देखो आपको आज मैं करके दिखा दूंगा, दो करके दिखा दूंगा, आपसे फिर नहीं होगा। एक्चुअल में आपसे तभी होगा जब आप सारे क्वेश्चन को एंड टू एंड सॉल्व करेंगे घर में बैठ के। बात समझ में आ रही है? खैर आज मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा एबीसी की, जो आज ऑब्जेक्टिव शीट हमने करनी है वहां पर आप ही सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। बट आपको सब्जेक्टिव समझ में आ रहा है, स्कूल के अंदर जाते ही इसके दो तीन क्वेश्चन आने वाले हैं किसी भी स्कूल में, इंपॉर्टेंट चैप्टर स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से, पर अदरवाइज मैथमेटिकल टूल है ये, ठीक है? पर ओपनिंग चैप्टर की यहां से करेंगे वो। तो पॉइंट समझ में आ रहा है इसमें क्या कुछ पुट किया, ठीक है? नेक्स्ट, तो इसमें एबीसी निकाल लेना यार, एबीसी आ जाएगा जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में डाउट? हाँ ये लो। थ्योरी कोई नहीं है, न्यूमेरिकल आएगा, बस यही आएगा, डिपेंड अपॉन डिपेंड अपॉन डिपेंड अपॉन, या चेक दी करेक्टनेस। एक और क्वेश्चन आता है थर्ड एप्लीकेशन पे, अभी सिखाऊंगा थर्ड एप्लीकेशन, उस पर आता है, एनसीईआरटी में ज्यादा जाता है, कॉम्पिटिशन में तो आज ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, वैसे दिखाऊंगा कैसे आता है, ठीक है? देखो इसमें क्वेश्चन है, करें क्वेश्चन है, एज्यूमिंग दैट मास एम ऑफ लार्जेस्ट स्टोन दैट कैन बी मूव्ड बाय फ्लोइंग रिवर डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो ऑफ द रिवर। तो मास डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी रेज टू पावर ए, डेंसिटी डी रेज टू पावर बी, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी रेज टू पावर सी। बन गया रिलेशन। शो दैट एम वेरीज विद सिक्स्थ पावर ऑफ वेलोसिटी। कह रहा है जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी है, उसकी कौन सी पावर आनी चाहिए, 6। तो ए की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 6। ये प्रूफ करो। तो एबीसी निकालना ही पड़ेगा, एबीसी क्या, ए निकालना पड़ेगा। तो इनको कंबाइन कर लिया, मास की जगह एम, वेलोसिटी की जगह एल टी माइनस वन, डेंसिटी की जगह एम एल माइनस थ्री, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जगह एक्सेलरेशन एल टी माइनस टू। इक्वेशन बनेंगी एम एल जीरो टी जीरो, एम रेज टू पावर बी, एल रेज टू पावर ए माइनस थ्री बी प्लस सी, और टी रेज टू पावर माइनस ए माइनस टू सी। बना लोगे? फिर कंपैरिजन एम का एम के साथ, एल का एल के साथ, टी का टी के साथ, आंख बंद करके लिख सकते हो ए की वैल्यू मेरी आ गई ऑन सॉल्विंग 6। सॉल्व क्या करना है, तो प्रूव ही करना है, तो क्या उसमें करना, प्रूव। तो जब प्रूव प्रूव करने वाले तो मजेदार क्वेश्चन है, हैंस प्रूव आ गया 6 मेरा, आए ना आए 6 तो आना ही है, तो वैसे 6 ही आएगा। इसमें मैंने सॉल्व किया हुआ है तो इसमें 6 आ रहा है, इसमें 6th पावर ऑफ वेलोसिटी। समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? ठीक है, देखो समझ आपको सब आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर जब मैं 12:30 बजे काम करता हूँ बहुत लोगों के साथ, तो हल्की हल्की मिस्टेक्स होती हैं जो मैं देखता हूँ, भूल जाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं ना। तो जो लिख के प्रैक्टिस कर रहे हैं, न्यूमेरिकल एक्चुअल में कर रहे हैं, उसी को समझ में आ रहा है। घर बैठ के नहीं हो रही असाइनमेंट, यहाँ बैठ के असाइनमेंट हो रही है, तो 4 क्वेश्चन हो रहे हैं, हो तो रहे हैं ना, फर्क पड़ता है। जिसके 4 हो गए उसके 8 भी हो जाएंगे, जिसका ये स्टार्ट नहीं हुआ उसका स्टार्ट ही नहीं हुआ। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो एक बार प्लीज लिख के प्रैक्टिस करनी है। जब मैंने की हुई है, मैंने खुद की है, तो फिर आप तो करोगे ही करोगे यार, कमाल है यार, मैंने भी तो की है, मैंने टाइप तो करवाई नहीं है यार, खुद बैठ बैठ के। बुक्स पे मेरे को कोई भरोसा नहीं, आधे क्वेश्चन बुक्स के अंदर गलती होते हैं, तो मैं खुद सॉल्व करके एबीसी भी निकाल लिया आपके सामने, देखो ठीक है। आज शेयर करूंगा ये ड्राइव आपको, ये शीट सॉल्यूशन शेयर करूंगा। नेक्स्ट
कितने लोगों का हो गया ये क्वेश्चन? हो गया। कितनों का नहीं हुआ अभी? नहीं हुआ। एक्चुअल में वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड, यानी कि वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, तो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड पर सेकेंड का मतलब वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड है, तो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड वी फ्लोइंग पर सेकेंड के डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? वॉल्यूम बाय टाइम, एल क्यूब अपॉन टी, एल क्यूब टी रेज टू पावर माइनस वन। क्या पॉइंट क्लियर है? अभी तो क्लियर है यहां तक, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड का डायमेंशन फॉर्मूला क्लियर है। किस पे डिपेंड करता है? प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट का सिंबल क्या है? पी बाय एल। ये प्रेशर ग्रेडियंट होता क्या है? प्रेशर अपॉन लेंथ। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? जो प्रेशर का होगा उसको लेंथ से क्या कर देना है? डिवाइड, रेज टू पावर ए। जो सिंबल है वो तो एज इट इज पुट करना पड़ेगा। रेडियस आर रेज टू पावर बी और कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी रेज टू पावर सी, इन्हें अगर हम कंबाइन करें, ये मैंने कंबाइन किया तो आपके पास ये टर्म आ गई। वॉल्यूम फ्लोइंग, वी फॉर वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड है। अगर ये गलती होगी ना, एक भी डायमेंशन फॉर्मूला की, पूरा क्वेश्चन खराब हो जाएगा। बहुत ध्यान से पढ़ना है कि क्वांटिटी है क्या। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, लोग क्वांटिटी नहीं पढ़ते, वी पढ़ लेते हैं। आधे लोग तो वी फॉर वेलोसिटी, आधे वी फॉर वॉल्यूम, पढ़ते ही नहीं वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड है। भैया पढ़ना है एक एक चीज। तो ये रहा वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, यानी कि एल क्यूब टी माइनस वन। प्रेशर ग्रेडियंट का प्रेशर का होता है एम एल माइनस वन टी माइनस टू बाय एल। रेडियस का है एल और ईटा कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी का एम एल माइनस वन टी माइनस वन। क्लियर है यहां तक? तो इस केस में एम जीरो एल थ्री टी माइनस वन, यहां से इसको रीअरेंज करोगे तो माइनस टू आएगा। तो यहां पर एम की पावर ए, एम की पावर सी, एल की पावर माइनस टू ए प्लस बी माइनस सी, ऐसी टी की पावर माइनस टू ए माइनस सी। बस कंपेयर एम एल टी कंपेयर, फिर ए बी सी निकालो, ए बी सी की वैल्यू आएगी। ये आपने खुद ही करना है, जो करना है। मेन चीज है पहले वाला पार्ट, बस पहले वाला पार्ट और डायमेंशन फॉर्मूला याद है बस, फिर तो यार मैथ्स ही चाहिए, फिर कुछ करना नहीं है इसमें। समझ में आ रहे हैं यहां तक? कोई डाउट है इसमें? साफ लिखना है, साफ लिखो जो समझ में आए। हाँ दे दूंगा नेक्स्ट टाइम, दे देता हूँ। रुको, यहाँ तक क्लियर है? चेक करो प्लीज। ठीक है यहां तक? नेक्स्ट है, कितने लोगों को इसमें डाउट है? देखो, वॉल्यूम वी ऑफ वाटर विच पासिस एनी पॉइंट है, ये पॉइंट ही नहीं है, पॉइंट ऑफ द कैनाल ड्यूरिंग टी सेकेंड। अगेन वॉल्यूम फ्लोइंग इन टी सेकेंड का मतलब क्या है? वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, यानी कि वॉल्यूम अपॉन टाइम। वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम अपॉन टाइम। इज कनेक्टेड विथ क्रॉस सेक्शन ए ऑफ द कैनाल। तो ये समझ में आता है कि वी फॉर यहां पर वॉल्यूम नहीं है, वी फॉर यहां पर वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड है। और वो किस पे डिपेंडेंट है? वो डिपेंडेंट है एरिया पे। गलत कर दिया मैंने यार। अच्छा करेक्टनेस चेक, अच्छा चेक करना है। ओके, एरिया ऑफ द कैनाल, तो ए फॉर एरिया, यू फॉर वेलोसिटी और टी फॉर टाइम। के डायमेंशनलेस है, कह रहे बताओ ये करेक्ट है कि नहीं। तो मैंने ये फॉर्मूला लिखा, v फॉर वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड एल क्यूब टी माइनस वन, के तो कांस्टेंट है छोड़ दो, a फॉर एरिया एल स्क्वायर, t फॉर टाइम वेलोसिटी एल टी माइनस वन। ठीक है, तो इसे मल्टीप्लाई अगर करें तो ये एल स्क्वायर एल एल क्यूब, टी कट गया, लेफ्ट और राइट सेम नहीं है, तो रिलेशन करेक्ट नहीं है, रिलेशन इनकरेक्ट है। सिंपल, ठीक है यहां तक? कोई डाउट इसमें? लेक्चर कैसे लगाया तूने लास्ट टाइम का? लास्ट टाइम लेक्चर कैसे लगाया?
हाँ जी ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा चेक करेक्टनेस और इनकरेक्टनेस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सेम, इनकरेक्ट या करेक्ट बताना है। एक्स फॉर लेंथ एल, आई फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, एफ फॉर फोर्स एम एल टी माइनस टू, वी फॉर वेलोसिटी एल टी माइनस वन का स्क्वायर, डब्ल्यू फॉर वर्क डन एम एल टू टी माइनस टू और एल फॉर लेंथ। अभी से एल स्क्वायर एम एम सब काटो, काट कूट के आपके पास आंसर फिर से क्या आ रहा है, इन करेक्ट, क्योंकि लेफ्ट और राइट सेम नहीं आ रहे। ये काटने वाला काम तो कर लोगे, एल को एल से एम को एम से पावर एडजस्टमेंट तो कर ही लोगे, इन करेक्ट है। क्या पॉइंट क्लियर हो गया था ये? ठीक, गिवन कर लो, एल देना चाहिए उसे, अगर गिवन नहीं है तो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो एल होता है। और किसमें? हाँ ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एक्स, तो आइडेंटिफाई एक्स में फिर आ जाएगा एम टी माइनस टू। अच्छा मैंने पढ़ा नहीं क्या, क्या है? ओ आई एम सॉरी यार, ये इनकरेक्ट, करेक्ट मैंने गलत कर दिया, सॉरी ये गलत है, आपको आइडेंटिफाई करना है, आई एम सॉरी। तो एक्स हमें नहीं पता, ये एक्स ही करो। हाँ तो एक्स एम टी माइनस टू का मतलब सरफेस टेंशन, सॉरी मुझे लगा इनकरेक्ट करेक्ट है, मैंने आंसर ये पढ़ा ना तो मुझे लगा शायद चेक कर रहा है, तो वैसे एक्स का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट होता है, पर इसमें आइडेंटिफाई करना है, फिर तो हमने लास्ट टाइम भी किया था ये एम टी माइनस टू सरफेस टेंशन, सही है। ठीक है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? आपके ग्रुप पे भी सेंड कर दिया था ना, पैक ने एक और ब्रांच इंट्रोड्यूस की है नॉन मेडिकल वालों के लिए, है ना, नॉन मेडिकल वालों के लिए प्रेफरेंस मेंस और साइंस ही रहेगा, तो डिज़ाइन की ब्रांच, आजकल डिज़ाइनिंग का बड़ा कॉन्सेप्ट चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, अच्छे डिज़ाइनर मिलने मुश्किल हुए हुए हैं, हर चीज़ डिज़ाइन करना, तो मतलब ठीक है, मतलब चलो अच्छा है, सीटें बढ़ी हैं कुछ ना कुछ, तो आप पहला बैच है इस बार, और अभी तो शायद कट ऑफ लो ही जाएगी, नए नए बैच में ना लोग ट्रस्ट कम करते हैं, आपकी बारी तक पता लग जाएगा क्या इनटेक है उसका, तो एडवांटेज है, मतलब कोई तो एडजस्ट होगा, कहीं तो एडजस्टमेंट होएगी, मतलब अगर मान लो 40 सीटें हैं तो 40 बच्चा तो एक प्राइवेट कॉलेज जाने से बचेगा, पैक का था पता लगवाएगा, ठीक है, तो ऐसे उस टाइम देखेंगे क्या परसेंटाइल है उसके हिसाब से है, परसेंटाइल आना चाहिए 99, देखो 99 वाला तो है सुखी दुनिया में, वो कहता है जी अपनी होगी टेंशन खत्म जनवरी में, भाड़ में गई आगे जो करना है करा लो, जो कर बोर्ड में जो आए नंबर कोई चक्कर नहीं, सेकेंड अटैम्प्ट में देने नहीं जाता और बोलो, वो कहता है बहुत लोग हैं कहते देता ही नहीं, बोलो क्या करना है, ठीक है एक ही अटैम्प्ट का, क्योंकि बेस्ट ऑफ टू लगना है, तो 99 आ गया, वो कहते हैं एम ही टेंशन में आ जाएंगे, 97 आई आई टी की तैयारी भी नहीं कर पाएंगे और टेंशन हो जाएगी, तो 99 आ गया ठीक है, बंदा कहता है फिर भी लोग दिए जाते हैं, जैसे वो लड़का कहता था मैं 100 में से 100 ही लेना चाहता हूँ तीनों में, चलो भाई 99.8 तक टच कर गया वो, तो कहने का मतलब ये है कि इतना स्कोर का टारगेट रखना है, और नीट वालों को 600 प्लस थंब रूल है, 625 600 प्लस, तो बस जिंदगी सुखी है, क्या दिक्कत है, जहाँ हाथ लगाओगे वहाँ एडमिशन मिल जाएगी, बात खत्म, झगड़ा ही नहीं है एडमिशन का, ठीक, लेकिन उसके लिए ने काम करना पड़ेगा, प्रैक्टिस न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे, ऐसे दुनिया में जितने भी डॉक्टर बने हैं और ये सब जो बने हैं ना लोग, वो सब ये करके ही गए हैं, कोई ऐसा ही नहीं गया कि यार हुआ नहीं हमसे यार, पर फिर भी हम बन गए, ऐसा कभी नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ, तो वो ठीक ठाक ही रहा होगा तभी कुछ किया उसने, तो प्रैक्टिस करनी है, ठीक है दबा के प्रैक्टिस करनी है। चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन, ये तो आसान है, टी फॉर टाइम, 4 पाई स्क्वायर का कुछ नहीं, ए लेंथ है, ए लेंथ है तो एल का क्यूब बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा, खत्म, इनकरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक दी करेक्टनेस, ये तो यार मैंने 100 बार दे रखा है, टी इज इक्वल टू बाय रूट, ये तो करेक्ट ही होगा, तो टी फॉर टाइम, 2 पाई का कुछ नहीं, एल का अंडर रूट, जी का एक्सेलरेशन, एल से एल कैंसिल, टी स्क्वायर का अंडर रूट, टी 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 सेम आते हैं, ऑब्जेक्टिव में आते हैं। एक्चुअली यार चक्कर बताया क्या है, इस बार एनसीईआरटी ने पैटर्न ही चेंज कर दिया ना,
50% तो मल्टीपल चॉइस बना दिया, अब तो मेंस कर लो, नीट कर लो, एनसीईआरटी कर लो, फर्क कहाँ पड़ रहा है? उन्होंने देना ही आधा ऑब्जेक्टिव है, बात ही खत्म। तो उन्होंने मतलब इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आने नहीं है, अब फॉर्मेट चेंज है। तो अब का टेस्ट, जैसे एरर्स का टेस्ट दिया ना मैंने आपको, ऐसा इस फॉर्मेट में टेस्ट बन रहा है। हालांकि मैं एक सेक्शन सब्जेक्टिव रखता हूँ क्योंकि आधा पेपर सब्जेक्टिव भी आना है, तो एक सेक्शन ऑब्जेक्टिव, एक सब्जेक्टिव। आगे से आने वाले टाइम में अजर्शन रीजनिंग भी रखूंगा या पैसेज टाइप क्वेश्चन भी आने हैं उसमें, तो वो भी उसकी प्रैक्टिस भी करवानी है। वो आने वाले टाइम में आपको पता लग जाएगा चैप्टर्स में कि वो कैसे कैसे क्वेश्चन है, आप उसकी टेंशन मत लो। प्लस टू वालों का ऐसे ही चलता है फॉर्मेट। फिर पूरा यूनिट खत्म होने के बाद एक मेंस का टेस्ट होगा, एक नीट का टेस्ट होगा। नीट वाला नीट के लेवल पे काम करेगा, मेंस वाला मेंस के लेवल पे। नीट बहुत आसान आता है वैसे बता दूं मैं, मेंस के मुकाबले। मेंस का और नीट का पेपर देखोगे तो आपको मतलब आपने एनसीईआरटी बेसिक कर ली ना, ये ऐसे क्वेश्चन कर लिए तो नीट हो जाएगा। मेंस तो स्टार्ट ही नहीं हुआ दोस्त अभी, मेंस का क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ अभी तक, अभी हमने कुछ नहीं किया। एरर्स का हो जाएगा आपसे, यूनिट्स का भी शायद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक्चुअल कोर चैप्टर जो है वो फोर्थ से स्टार्ट है, फिर वहां से आएगा मजा। होंगे नहीं, मेरे ख्याल से टफ वाले नहीं डाले, नॉर्मल है, नॉर्मल तो ऐसे आते हैं, पर इससे ऊपर लेवल आ जाता है मेंस को। नीट में तो ये आता है, एनसीईआरटी में भी ये आता है। अभी प्रॉब्लम बताया क्या है, अभी कंपटीशन की तैयारी के लिए ना अभी हम तैयार नहीं है, अभी ना वार्म अप चल रहा है। मैथमेटिकल टूल्स है ना यार, अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुई, तो अभी स्टार्ट होने में टाइम लगेगा। अभी अभी तो हाथ चलाना सीख रहे हैं कि फटाफट देखें कैलकुलस में हाथ बैठे, एमएलटी एबीसी फटाफट सॉल्व हो जाएगी, तभी डाले हुए हैं। आप एकदम झटका नहीं सह पाओगे, तो आपको एकदम पहले अपना हाथ तेज तेज बिठाना है। तो ये मैथमेटिकल टूल चल रहे हैं, अगली बार से स्टार्ट हो जाएगा कैलकुलस वाला पार्ट फिर से। कोई स्टूडेंट जिसने इंटीग्रेशन नहीं कर रखी, बिल्कुल पता ही नहीं इंटीग्रेशन, पता ही नहीं, बस फिर थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा अगला चैप्टर पक्का। पापा रूल आता है, लिमिट्स पुट करनी आती हैं, बस जितनी आती हैं उसी हिसाब से समझ में आना है। तो इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा तो नहीं, लिमिट्स पुट करना आना चाहिए बेसिक, बस इतना पता ना, ठीक है? तो नहीं है तो कोई बात नहीं, कल या जो भी जो मैं सेशन रखूँगा 12:30 बजे तो उस टाइम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, रिकॉर्डिंग कर ली थी आपने वैसे? इंटीग्रेशन कर लेना प्लीज़, मेरे से ले लेना वीडियो। अब इंटीग्रेशन है बहुत छोटा, 1 घंटे का ही है, वो हो जाएगा आपका। टाइम चाहिए तो मैं टाइम दे दूंगा, ग्रुप पे डाल दूंगा, तो जिससे आना आ जाएगा, कोई बात नहीं। मतलब आपको अगले हफ्ते तक इंटीग्रेशन रेडी करनी है, ये हफ्ता बच जाएगा, ये हफ्ता चलेगा, हफ्ता है आपके पास। अगले मंडे से कैलकुलस ठीक ठाक यूज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो नेक्स्ट, चेक दी करेक्टनेस, वैसे तो दिख ही रहा है यार, ई फॉर एनर्जी, 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 चेक क्या करना पता ही है, तीनों एनर्जी है, ML to T -2, करने की जरूरत भी नहीं मेरे को लगता है, करना है कर लो। E फॉर एनर्जी, M फॉर मास, G फॉर एक्सेलेरेशन, H फॉर लेंथ, M फॉर मास, V फॉर वेलोसिटी का स्क्वायर, आंसर तो सेम ही आना है, ML to T -2। इसको तो चेक भी नहीं करना, ये ठीक है बिल्कुल। फिर अगेन चेक द करेक्टनेस, ऊपर वाला ये वाली, हाँ मैं पूरा सोल्यूशन शेयर करूंगा सॉल्व करके। तुम आंसर की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ पूरा एक एक क्वेश्चन मैं खुद सॉल्व करके सेंड करूंगा आपको। गलती हो तो उसमें से आपको ग्रेस मार्क्स भी दूंगा, एक एक नंबर ऐड कर दूंगा, अगर मेरी गलती हुई या क्वेश्चन की गलती हुई तो एक नंबर आपको फ्री मिलेगा। तो जब काटते हैं तो फिर नंबर देंगे भी, तो आप बस प्रूव कर दो क्वेश्चन गलत है या आंसर ये नहीं आ रहा, ठीक है? सारी क्लास को एक नंबर देंगे, बात खत्म हो गई, ठीक? ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो चलो नेक्स्ट, डेंसिटी रो, ML -3, 3 का कुछ नहीं, जी फॉर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी एक्सेलेरेशन, 4π का कुछ नहीं, आर फॉर लेंथ और जी फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगर हम इन्हें कट करें एल से एल, टी टी, तो आंसर फिर से क्या आ रहा है, इन करेक्ट। देखो करेक्टनेस इन करेक्टनेस में करना क्या है, कुछ भी तो नहीं करना यार, जो फॉर्मूलाज हैं वो पुट करते जाओ, लेफ्ट राइट बराबर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो इनकरेक्ट कर दो, बात खत्म। ठीक है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? करेक्ट आ रहा है, सॉरी मुझे पता नहीं है। अच्छा देखें, इसमें एल से एल, ये एल से एल गया, एल के ऊपर 3 कैसे? अच्छा इसमें,
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या होता है? एम माइनस वन एल, अच्छा ठीक है जी, ठीक है फिर हो जाएगा, ठीक है डन। तो ये प्लीज फिर इनकरेक्ट है। तो ये एक बार, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये लेंथ है, न्यूमिनेटर में एल टी माइनस टू है, अब ठीक है, एल से एल कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो आंसर एम एल, हाँ ठीक है करेक्ट आ रहा है। तो इसे करेक्ट करना प्लीज, मैंने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट गलत पुट कर दिया, ठीक है, ठीक है ना, कैपिटल जी का फॉर्मूला गलत है मेरा, आप ठीक कर लेना, आंसर सही आ रहा है, असाइनमेंट की है इसका मतलब, ठीक है। आप सबके घर वो स्कैंड पेपर पहुंच गए थे डिफरेंशिएशन के? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने पेपर दिया हो लेकिन स्कैंड कॉपी नहीं पहुंची? सबके पहुंच गए, बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट, फिर सेम करेक्टनेस, एच फॉर लेंथ है एल, आर फॉर लेंथ है, रो फॉर डेंसिटी है, जी फॉर एक्सेलरेशन है, एस फॉर सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या था? एम टी माइनस टू, और कॉस थीटा तो नंबर होता है, नंबर कांस्टेंट का कुछ भी नहीं होता, तो वन वन। इसे सॉल्व करें, एम से एम कैंसल, टी की पावर माइनस टू से टी की पावर माइनस टू कैंसल, मल्टीप्लाई करके एल रेज टू पावर माइनस वन, इनकरेक्ट है, ठीक है ना यहां तक, राइट? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेव की लेंथ, चाहे तुम्हारी लेंथ, चाहे मेरी लेंथ, चाहे वेव की लेंथ, लेंथ तो लेंथ रहेगी मीटर्स में, एल, तो वेव लेंथ लैम्डा होता है, लैम्डा मतलब एल होता है। तो वह इस फॉर्मूले को करेक्ट करना है, एच का मतलब सिखाया था प्लैंक्स कांस्टेंट, और प्लैंक्स कांस्टेंट का फॉर्मूला लिखवाया था एनर्जी इंटू टाइम, चेक कर लो टेबल, एनर्जी इनटू टाइम, तो एनर्जी एम एल टू टी माइनस टू इनटू टी एम एल टू टी माइनस वन। तो आप प्लैंक्स कांस्टेंट पुट करें, मास पुट करें, वेलोसिटी पुट करें, आंसर क्या आ गया? करेक्ट। मेन काम एक ही तो है, डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए, और तो कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है ना। छोड़ देंगे फिर आगे, ठीक है, ठीक। एट डिफरेंट है इसका, अच्छा वो देखता हूँ फिर एक बार, वो देखते हैं क्या है डिफरेंट उसमें। ये क्वेश्चन तो लास्ट टाइम मैंने पूछा था आपसे कि इसमें अगर ये एक्स एल स्क्वायर है तो बी भी क्या होगा? एल स्क्वायर, क्योंकि सेम तरीके की क्वांटिटीज माइनस होती हैं, तो बी एल स्क्वायर। फिर मैंने कहा था एल स्क्वायर में से माइनस करे होगा तो आंसर भी एल स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, तो पूरा का पूरा न्यूमिनेटर क्या बनेगा? एल स्क्वायर, ए इंटू टाइम, और ये क्या है? एनर्जी। तो सॉल्व करके यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, किया था ना हमने ऐसा क्वेश्चन। बस ये इंपॉर्टेंट था इसमें कि इन दोनों को माइनस करके जीरो मत पुट कर देना, मतलब ये एल स्क्वायर मीटर स्क्वायर की तरह काम कर रहा है, वैल्यूज से वैल्यू माइनस नहीं हो रही, यूनिट या डायमेंशन में से यूनिट और डायमेंशन माइनस हो रहा है, तो आंसर भी एल स्क्वायर में आएगा। क्लियर है यहां तक? ठीक, ठीक है। असाइनमेंट की है, ट्राई की है, ये क्वेश्चन ऐसा किया हमने
ये इक्वेशन है ए और बी निकालना है, तो इसका मतलब क्या है फोर्स, ए निकालना है एक्स का, ऑब्वियसली ये भी फोर्स और ये भी फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला किया था हमने ऐसे, तो ए इंटू रूट एक्स एम एल टी माइनस टू है, एक्स क्या होता है लेंथ रेज टू पावर हाफ है, ये इसके डिनोमिनेटर में चला गया तो ए की वैल्यू आ गई। सिमिलरली बी इंटू टी स्क्वायर एम एल टी माइनस टू है, यहाँ से टी का स्क्वायर है और बी की वैल्यू आ गई। ठीक है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? कितने दिन से हो गया था वैसे ये, हो गया था? ठीक है, क्लियर है यहां तक? बोलो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाया था y डिस्टेंस होता है, एम्पलीट्यूड भी डिस्टेंस होता है, आपको ओमेगा टी माइनस के एक्स किस में गिवन है? साइन के अंदर। साइन के अंदर जो टर्म होती है वो क्या मानी जाती है? एंगल। एंगल क्या होता है? डायमेंशनलेस। तो अगर ये पूरे का पूरा एंगल डायमेंशनलेस है तो ये भी डायमेंशनलेस है और ये भी डायमेंशनलेस है। तो यहाँ पर ओमेगा टी वन है, ओमेगा वन बाई टी है तो टी की पावर माइनस वन, के एक्स भी वन है, के वन बाई एक्स है, एल की पावर माइनस वन। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक, ठीक है, ओके। तो अब लास्ट एप्लीकेशन करते हैं, थर्ड एप्लीकेशन डायमेंशनल एनालिसिस की, फिर ये चैप्टर क्लोज है, फिर ऑब्जेक्टिव सेक्शन करेंगे और अपने आंसर्स को, क्योंकि ऑब्जेक्टिव को करने की टेक्निक थोड़ी डिफरेंट है, ऑब्जेक्टिव तो फटाफट जल्दी होते हैं, सब्जेक्टिवली ऐसा मेथड यूज़ नहीं करेंगे, ऑब्जेक्टिव में ट्रिक है, फटाफट यूज करके आंसर्स आएंगे, देखो कैसे। तो पहले थर्ड एप्लीकेशन कर लेते हैं, थर्ड एप्लीकेशन है, ये लिखो, डायमेंशनल एनालिसिस हेल्प्स टू कन्वर्ट अ क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। स्लो चैप्टर है थोड़ा सा एज कंपेयर टू कैलकुलस, एरर और यूनिट स्लो हैं, मोशन जो अगला चैप्टर है वो तेज है, कैलकुलस बेस है ना, मैथमेटिकल ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं है ए बी सी करते जाओ, हर प्रॉब्लम डिफरेंट है तो उसमें इंटरेस्ट बना रहता है। अभी दिखाऊंगा, अभी आपने मोशन किया भी हुआ है नाइन्थ में, पत्थर गिर गया, पत्थर ऊपर चला गया, पत्थर इधर गया उधर गया, एक्सीलरेशन वेलोसिटी टाइम, दो गाड़ियाँ चल रही हैं, ये वो, तो ऐसा थोड़ा आइडिया आपको है।
ठीक है, करें स्टार्ट। अब देखो प्रॉब्लम क्या है इस दुनिया की, हर कंट्री जब ये सिस्टम स्टार्ट हुआ, हर कंट्री का अपना सिस्टम ऑफ यूनिट है। एक कंट्री वाले कहते हैं देखो जी ऐसा है, हमारे यहाँ जो मास है ना वो मेजर किया जाता है 1 kg में, स्टैंडर्ड यूनिट 1 kg है हमारा, 1 kg से स्टार्ट है। और डिस्टेंस मैंने पूछा, कहता है 1 मीटर में, टाइम पूछा 1 सेकेंड में, ठीक है जी, तो या सेकेंड में, बस यूनिट से हमारा ये सिस्टम ऑफ यूनिट है। हमारे यहाँ ये चलते हैं, हम आपस में बात इसमें करते हैं, सेब लेने हैं तो 10 किलो, 5 किलो, 6 किलो, ठीक है जी, बात खत्म। दूसरा कंट्री कहता है देखो ऐसा है, हम जो काम करते हैं वो किसी और तरीके से करते हैं, हम तो करते हैं ग्राम में, कि भैया जरा सेब तोलना, 1000 ग्राम तोलना, 5000 ग्राम तोलना, वो इंडोनेशिया गए, इंडोनेशिया सुने, इंडोनेशिया बाली, वहाँ पर वो नोट चलते हैं 1 लाख रुपये का नोट, 1 लाख रुपये क्या होता है, एक कोल्ड ड्रिंक आएगा साथ में, पता नहीं एक चिप्स के पैकेट आ जाएंगे, मतलब क्या वो 100 रुपये की जगह इतनी जीरो लगा के बैठे हुए हैं, तो बस ठीक है। वो कहते हैं जी हमारे यहाँ 1 लाख रुपये से स्टार्ट है जी, कहानी बात खत्म। मैं कितने लाख खर्च दिए, 1 करोड़ खर्च दिया एक दिन में, कहाँ गए थे, बस यहाँ लोकल घूमने गए थे, 1 करोड़ रुपये खर्चा। अब पूछ लो, मैं बता रहा हूँ मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, एक दिन में जो है 1 करोड़ रुपये खर्चा गया, 1 करोड़ रुपये खर्चा, वो उसकी क्वांटिटी वो यही नोट की वैल्यू वहाँ से स्टार्ट है, क्या करें, ठीक है चीज़ उतने की है पर वैल्यूज हैं। अब जैसे वो कहता है जी हमारे यहाँ तो ग्राम में मेजर, मैं बोल तो रहा हूँ सेव देना भैया 5000 ग्राम करना, अब उसकी मर्जी है यार, वो ग्राम उनका कंट्री जो है ग्राम में काम करता है, डिस्टेंस सेंटीमीटर में करता है। यहाँ से दिल्ली कितनी दूर है, 250 किलोमीटर, ना ना 250 किलोमीटर नहीं, 250 × 10^5 cm करते रहो मल्टीप्लाई उसको, 0000, इंडोनेशिया वाला काम कर दिया बिल्कुल, जीरो में लगा लगा के पागल हो जाओगे तुम, ठीक है। सेम नेक्स्ट है आपका जो सेकेंड है, वो कहते हैं सेकेंड ही है हमारा, ठीक है। फिर कोई कहता है जी आप और कोई कंट्री आओ, दूसरा कंट्री आया, वो कहता है जी हमारे यहाँ तो जो वेट है या मास है हम तो उसमें पाउंड में मेजर करते हैं, और डिस्टेंस हमारा फीट में होता है या फीट्स में करते हैं, और टाइम सेकंड में कर लेते हैं हम भी, तो वो सिस्टम ऑफ यूनिट का नाम है FPS, फीट पाउंड सेकंड, CGS, MKS, मीटर KG सेकंड, ये ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट है। फिर कोई और कंट्री आ गया, वो कहता है जी हमारे यहाँ तो डिस्टेंस पता नहीं क्या बोली जा रहा था, समझ नहीं आई कौन से यूनिट है, उसकी मर्जी है यार, अब उसने डिस्टेंस का नाम ही अपने नाम से राम शाम रख लिया, तो 1 राम या 1 शाम, 1 शाम है जी ये, अब मर्जी है यार इसमें क्या, मीटर जी तो ना मीटर है, हमें आदत है मीटर सेंटीमीटर की, जो मर्जी रखी चलो ग्राम, क्या फर्क पड़ता है उसमें। अब यार अब ये सारे लोग अगर इंटरनेशनल लेवल पे बैठ जाएंगे बात करने, इनको एक दूसरे की बात कैसे समझ में आएगी, आएगी नहीं। वो कही जाएगा कि हमारे यहाँ तो न्यूटन चलता है, वो कहेगा नहीं तो हमारे यहाँ डाइन चलता है, वो कहता है हमारे यहाँ तो अर्ग चलता है, कोई कहेगा जूल चलता है, वो उलझे रह जाएंगे इसमें। तो इसलिए एक फैसला हुआ इंटरनेशनल लेवल पे कि जो भी किताबें लिखी जाती हैं आपने देखा होगा वो एक सिस्टम ऑफ यूनिट लिखी जाती हैं, और वो क्या सिस्टम ऑफ यूनिट है, MKS। MKS पे काम होता है, हम जितने भी क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले क्या सिखाते हैं, उसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लो, गिवन चाहे सेंटीमीटर हो पर पहले मीटर में कन्वर्ट कर लो, हमारी आदत है अब हम SI में काम करते हैं, आप कहीं भी जाएंगे SI में काम होता है, तो इसलिए इसका नाम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसको बोलते हैं SI सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। तो ये नाम है SI सिस्टम ऑफ यूनिट या MKS सिस्टम ऑफ यूनिट, एक ही बात है। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जो तो MKS सिस्टम है वो फोर्स को जैसे 1 न्यूटन बोलते हैं, फोर्स के यूनिट न्यूटन है, जो CGS वाले हैं ये बोलते हैं डाइन्स, ये डाइन्स बोलते हैं। तो अब क्वेश्चन है, बात दोनों फोर्स की कर रहे हैं, तो 1 न्यूटन में कितने डाइन्स हैं, ये क्वेश्चन है, 10^5। अब ये चीज आपको आती है ऑलरेडी, पर मैं आपको जो आपको आती है वो डायमेंशनल फॉर्मूला को यूज करके नहीं आती, हमने करनी है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये लो जैसे सपोज करो, ये लो सपोज करो, आपको एग्जांपल है, एग्जांपल में रादर मेथड नंबर 1 ही बोलूंगा, क्वेश्चन है 1 न्यूटन में कितने डाइन्स हैं, ठीक ये क्वेश्चन है। अब बात किसकी हो रही है, न्यूटन किसके यूनिट है, फोर्स के, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास अगर 1 kg है, एक्सेलरेशन अगर 1 m/s² है, तो इसको क्या बोला जाता है, 1 न्यूटन,
यही होता है 1 न्यूटन, राइट? क्लियर है यहां तक? अब अगर ये 1 न्यूटन है, इसमें 1 न्यूटन इज इक्वल टू, एक काम करते हैं केजी को ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1000 ग्राम्स, मीटर को 100 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय सेकंड का स्क्वायर, तो आपके पास क्या आएगा? 1 न्यूटन इज 10^5 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड का स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं? डाइन्स। डाइन्स। तो 1 न्यूटन इज 10^5 डाइन्स। क्या ये स्टेप क्लियर है? इसके अंदर हमने डायमेंशनल फॉर्मूला को बिल्कुल भी यूज नहीं किया, ये पुराना मेथड है। मैं मेथड 2 सिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ एमएलटी, डायमेंशन फॉर्मूला सेम काम किया जा सकता है। अब मेथड 1 लिख लें, फिर मैं मेथड 2 सिखाता हूं। ठीक है यहाँ तक? अब करते हैं मेथड 2। इसी में मेथड 2, नया मेथड है आपके लिए। तो लिखो मेथड 2। क्वेश्चन सेम है, 1 न्यूटन में कितने डाइन्स है, क्वेश्चन सेम है, ठीक है? और बात किसकी हो रही है? फोर्स की, क्योंकि न्यूटन और डाइन्स किसके यूनिट्स हैं? फोर्स के। ठीक है यहां तक? तो पहले देख लो फिर बाद में लिखना। रूल नंबर 1, इसमें यहां एक नंबर होगा 1 और यहां भी एक नंबर होगा। मुझे पता है इसका आंसर 10^5 है, दोनों नंबर्स हैं। तो मान लो ये नंबर है n1 और ये नंबर है n2, ठीक? और मुझे क्या निकालना है इसमें? मुझे निकालना है इसमें n2। कोई डाउट इसमें? अब इसमें ये यूनिट है, देखो यूनिट, जैसे मान लो वेलोसिटी की बात हो रही है, वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड या सेंटीमीटर पर सेकंड। डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? LT-1। देखो डायमेंशन फॉर्मूले का SI या CGS से कोई लेना देना है ही नहीं, वो तो LT-1 ही रहेगा, उसमें कोई फर्क ही नहीं है। तो न्यूटन का भी तो कोई कॉरस्पॉन्डिंग डायमेंशन फॉर्मूला होता होगा, मतलब जो भी, अभी तो न्यूटन डाइन है, कुछ और भी तो ये टर्म हो सकती है, जूल्स अर्ग्स हो सकते हैं, कुछ भी, तो कुछ तो डायमेंशन फॉर्मूला होता होगा इसमें। जैसे सपोज करो, जैसे सपोज ये है n1 और इसकी जगह होता होगा mLT, इनकी कोई पावर भी होती होगी a b c। हाँ ठीक है, फोर्स में mLT-2 होता है, पर यहां पर पावर कोई और क्वांटिटी भी कल को आ सकती है, तो मैंने ABC लिख लिया। इज इक्वल टू, यहां भी कोई नंबर होता होगा n2 और यहां पर भी कोई डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा इसके कॉरस्पॉन्डिंगली, mLT^ABC। एबीसी ही पावर रहेगी क्योंकि यूनिट्स चेंज होने से डायमेंशन फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आता। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो इसमें लेकिन पता कैसे लगेगा कि ये SI है या ये CGS है? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चल रहा है? SI। इसमें क्या चल रहा है? CGS। तो एक काम करते हैं हम ना, याद रखने के लिए 1 1 1 लगा देते हैं, 2 2 2 लगा देते हैं, जो ये शो करता है 1 1 1 का मतलब SI है, 2 2 2 का मतलब CGS का मास है। मुझे क्या निकालना है? n2। n2 का फॉर्मूला बन गया n1 m1 बाय m2 डिवाइडेड बाय a, ये पूरा का पूरा से डिवाइड हो जाएगा, l1 बाय l2 रेज टू पावर b एंड t1 बाय t2 रेज टू पावर c। इस फॉर्मूले को
आप प्लीज नोट, ये नोट कर लें, इसको यूज कैसे करना है अभी दो मिनट में बताता हूं यूज कैसे करना है। देखो इस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है एक बार इसको देखते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन एनसीईआरटी में आ सकता है, कंपटीशन में मुझे पता नहीं है यार इतना बड़ा वो आएगा नहीं आएगा। एमएलटी ज़्यादा आता है उसमें, मतलब क्वांटिटीज के ऊपर ज़्यादा आता है, करेक्टनेस ज़्यादा आती है, राधा वैसे बोलूँगा। इसमें फिर भी पता नहीं लगता आप, लेकिन स्कूल लेवल पर तो आ जाता है ये। तो इसके अंदर ये फॉर्मूला आप नोट करें। अब यूज कैसे करना है फॉर्मूला उसको देखें। सपोज क्वेश्चन है 1 न्यूटन में कितने डायन्स हैं, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर ये नंबर N1 है, ये नंबर N2 है, ये सिस्टम ऑफ यूनिट SI है, ये सिस्टम ऑफ यूनिट CGS है, ऐसे लिखना है आपने। और बात किस क्वांटिटी की हो रही है, फोर्स की, ठीक है। SI सिस्टम में मास की रिप्रेजेंटेशन 1 kg होती है, लेंथ की होती है 1 मीटर और टाइम की क्या होती है 1 सेकेंड, और N1 की वैल्यू इस क्वेश्चन में गिवन है 1। इधर आ जाते हैं, CGS में मास क्या होता है 1 ग्राम, लेंथ क्या होती है 1 सेंटीमीटर, टाइम क्या होता है 1 सेकेंड, और N2 हमने निकालना है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट इसमें? तो इसके अंदर हम फॉर्मूला लगाएंगे जो अभी हमने डराइव किया, N2 इज N1 M1 बाई M2 रेज टू पावर A, L1 बाई L2 रेज टू पावर B एंड T1 बाई T2 रेज टू पावर C। N1 की वैल्यू बोलो 1, M1 की 1 kg बाय 1 ग्राम, L1 की 1 मीटर बाय 1 सेंटीमीटर और टाइम की 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड। ABC क्या है, MLT की पावर होती है। ABC क्या होता है, M की पावर A, L की पावर B, T की पावर C। बात किसकी हो रही है, फोर्स की। फोर्स क्या होता है, MLT माइनस 2। M की पावर को A माना जाता है, L की पावर को B माना जाता है और T की पावर को C माना जाता है। तो ABC 1 1 माइनस 2, तो ABC पुट करेंगे 1 1 माइनस 2, ठीक है। जिस क्वांटिटी की बात हो रही है उसकी ABC पावर MLT की पावर ABC है, कोई डाउट इसमें? और लास्ट स्टेप, क्योंकि ये N2 नंबर आने वाला है तो इसलिए काम करते हैं 1000 kg को 1 ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, रेज टू पावर A, 100 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर रेज टू पावर B, 1 सेकेंड 1 सेकेंड रेज टू पावर C। ये तो गया, कट गया, कट गया, तो N2 की वैल्यू क्या आ गई, 1000 × 100, 10 की पावर 5। आंसर सेम आ गया, बढ़िया लगा। मैं थर्ड की पहले वाला ठीक था, इस बात पे ऐसे ही रहना, मैं एक और क्वेश्चन दूंगा और मैं प्रूफ कर दूंगा दूसरे वाला बढ़िया मेथड है। लिखो, ये दूसरे वाला दिखाऊंगा आपको कैसे ही बढ़िया है, आप लिखो ये सारा, फिर मैं आपको 2-3 क्वेश्चन करवाता हूँ और दिखाता हूँ कि क्या मज़ेदार चीज़ है ये।
ठीक है यहाँ तक सबको क्लियर है? तो ये क्यों बढ़िया मेथड है जरा इसको देखो, मैं अपना क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, देखो क्वेश्चन है कि 1 जूल में कितने अर्ग्स है, ठीक है? तो N1 ये नंबर क्या है? N1 ये नंबर क्या है? N2 ये सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है? SI ये सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है? CGS यहां तक कोई चेंज नहीं, सेम है। बात किसकी हो रही है? एनर्जी की। एनर्जी के डायमेंशन फॉर्मूला बोलो, ML2T-2। ए की वैल्यू कितनी? 1, 2, -2 लिख लिया। सेम इधर आ जाओ, ABC में 1, 2, -2 बाकी सेम 1, 2, -2 तो यहां पर 1 की जगह यहां पर क्या जाएगा? 2, ठीक हो गया। तो 1000 × 100 × 100 दो बार हो गया ना, स्क्वायर हो गया। तो 5 की जगह टर्म क्या आ गई? 7। लो, एक मिनट में आंसर नहीं आया, कुछ करना क्या पड़ा? कुछ भी नहीं, बाकी ढांचा तो सेम ही है, ABC चेंज करते जाओ बस। जो यहाँ क्वांटिटी दूंगा ना, उस क्वांटिटी में MLT निकालो, ABC निकालो, पुट करो, एक मिनट में आंसर। भाई ABC पुट करते जाओ, उसमें राइट साइड आंसर अपने आप आते जाएंगे। क्या यार इतना आसान मेथड कहाँ दिखेगा आपको, कुछ करना ही नहीं पड़ा। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? ठीक है ना, कुछ नहीं मिटाना पड़ा, देख लो ब्लू कलर में लिखा है मैंने सारा नया, बस इतना ही चेंज है। अगला क्वेश्चन दूंगा ना, वो भी इतना ही चेंज होगा, बाकी सब सेम है। ठीक है, ठीक है यहाँ तक कोई डाउट इसमें हो जाएगा सॉल्व? एक क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से आपके असाइनमेंट के अंदर ही था, ये रहा। SI यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट गिवन है, SI आपको कन्वर्ट करना है इसको CGS में करना जरा सॉल्व। डायमेंशन फॉर्मूला ये रहा जी का, कैपिटल जी का। तो ए क्या होगा? -1। बी क्या होगा? 3। सी क्या होगा? -2। N1 क्या होगा? 6.67 × 10⁻¹¹. N2 निकालना, उसी स्ट्रक्चर में पुट करो फिर से, M1 L1 N1 T1 बिल्कुल वैसे ही, और N2 निकाल लो फॉर्मूले में पुट करके।
हाँ जी, कितने लोगों का आंसर आ गया? आ गया, ए बी सी पुट करने। देखो इसमें कैपिटल जी का फॉर्मूला पता है, ए माइनस वन है, बी थ्री है, सी माइनस टू है। तो आपने क्या लिखा, एस आई एम वन एल वन टी वन एन वन, 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड, एन टू निकालना है। और फॉर्मूला लगाया एन टू का, ये रहा फॉर्मूला एन टू का, ये रहा एन टू के फॉर्मूले में एन वन को पुट किया जो गिवन है, मास 1 kg 1 ग्राम वही सेम, 1 मीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड 1 सेकेंड, ए बी सी में माइनस वन थ्री और माइनस टू, तो एक आ गया आंसर। तो इसमें वैल्यूज को पुट करें, तो वैल्यूज जब पुट करेंगे, ये लो, तो आपके पास ये क्या आएगा, 1/1000, माइनस वन है ना, 1/1000, और ये 100 × 100 × 100, ये तो वन का तो वन ही रहेगा, ठीक। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है। बढ़िया मेथड है यार, मेरे को तो बहुत पसंद है, MLT पुट करके आंसर निकाल लो। हाँ, रेसिप्रोकल होती है। तो थर्ड एप्लीकेशन भी क्लियर है, बढ़िया है। हाँ, एक तीनों में से एक आएगा ना, तीन एप्लीकेशन में से एक खत्म हो गया बस, चैप्टर क्लोज, प्रैक्टिस है बस, सर ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस है इस, अब इसके बाद कुछ नहीं है नया बताने के लिए, खत्म है, इन्हीं में से क्वेश्चन है। अब ऑब्जेक्टिव शीट करेंगे, आपको आइडिया होगा। खत्म है आज ये चैप्टर, क्लोज है आज इसकी क्लोजिंग है। अगली बार डाउट लेंगे, आप प्रैक्टिस करके आएंगे, डाउट वगैरह लेंगे, इसको क्लोज करेंगे। पर प्रैक्टिस करनी जरूरी है, देखो आपकी प्रैक्टिस जरूरी है, मैं यहाँ आप खुद ही बैठ के करता रहूँ टक 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 टक, तो मेरी प्रैक्टिस है यार, मेरे को तो आता है, मैं तो कर ही दूंगा, आपको आना चाहिए ना कि कैसे लिखा। होमवर्क इसलिए जरूरी है ताकि आप प्रैक्टिस करके आओ, जो लोग होमवर्क नहीं कर रहे आउट होंगे, लिखा ही नहीं जाएगा पेपर में उनसे। ये माइनस नाइन आ रहे हैं, सॉरी गलत लिखा है मैंने, अच्छा माइनस एट आ रहा है, ओके खोलता हूँ, रुक जाते हैं। क्या पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 7, ये वाला, इसमें क्या देखो, टी की वैल्यू क्या है, 2πm/k, वेयर k फोर्स कांस्टेंट है। फोर्स कांस्टेंट क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। नहीं लिखा तो लिख लो फॉर्मूले की लिस्ट में, तो K इज इक्वल टू MLT-2/L, L से L कट गया तो K का डायमेंशन फॉर्मूला इज MT-2, ये लो। हाँ तो आ गया जो आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसका, T, राइट हैंड साइड में 2π का कुछ नहीं, M/k का मतलब MT-2, तो M से M कैंसिल, टी स्क्वायर आ गया भाई, नहीं हुआ, इनकरेक्ट है, तो प्रूव यही करना, इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है, बस आपको फोर्स कांस्टेंट पता होना चाहिए इसमें। निकाल लेते हैं, क्या है पॉइंट, पहले क्लियर है, फर्स्ट पार्ट क्लियर है, ठीक है ना? एक मिनट, एट पहले सेवन पूरा कर दें, इसका अगला पार्ट भी है ना, ड्राइव करेक्ट रिलेशन तो करना पड़ेगा। तो करेक्ट रिलेशन में पता है क्या करेंगे, करेक्ट रिलेशन में ये करेंगे कि जो टाइम पीरियड निकालना है वो साफ पता लग रहा है किस पे डिपेंडेंट है, मास पे, रेस टू पावर ए, किस पे डिपेंडेंट है, के पे, रेस टू पावर बी, बस। तो टी इज सम कॉन्स्टेंट इंटू एम की पावर ए और के की पावर बी, तो टाइम पीरियड टी, मास एम, फोर्स कांस्टेंट क्या होता है एम टी माइनस टू रेस टू पावर बी, तो एम जीरो एल जीरो टी वन
m raised to power a plus b और t raised to power minus 2b. तो यहां से कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस हाफ, और a प्लस बी की वैल्यू जीरो है तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ, a हाफ आ गया, b इसके इक्वल आ गया. तो पुट कर दो यहां पे, यहां पे पुट करते हैं तो क्या आएगा, यहां पे पुट करके आएगा t इज सम कांस्टेंट इनटू m रेज टू पावर a, a कितना है, हाफ, k रेज टू पावर माइनस हाफ. तो t इज सम कांस्टेंट अंडर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाय k इज द आंसर. छोड़ देना यहां तक, करेक्ट रिलेशन है, ठीक है यहां तक, हाँ जी ठीक है यहां तक. कैसे करना समझ में आ रहा है, टेंथ हो गया, प्रोपोर्शनल, हाँ जी ठीक है ना यहां तक, कोई डाउट इसमें, ठीक. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10. The depth x to which a bullet penetrates a human body depends upon. ये शायद हमने किया असाइनमेंट में. Depth x depends upon elasticity. ये viscosity नहीं है, elasticity है. Raised to power a and kinetic energy raised to power b. ठीक, sheet की problem है. तो x is some constant into eta a energy b. x का मतलब length है. ईटा का मतलब इलास्टिसिटी, फोर्स बाय एरिया, एम एल टी माइनस टू बाय एल टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू. तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू और एनर्जी का एम एल टू टी माइनस टू. तो कंबाइन कर लेना, एम जीरो एल वन टी जीरो इज इक्वल टू एम रेज टू पावर ए प्लस बी. ठीक है, तो यहां पर m की पावर a प्लस बी, l की पावर माइनस ए प्लस टू बी और t की पावर माइनस टू ए माइनस टू बी. m की पावर m के साथ, l की पावर l के साथ और t की पावर t के साथ. निकाल लोगे a और b, यहीं से आ जाएगा a और b, a और b निकाल के पुट कर दे रहा हूं. पॉइंट समझ में आ रहा है सबको यहां तक, ठीक, कोई डाउट इसमें, ठीक है. नेक्स्ट और कोई क्वेश्चन है इसमें, ठीक है. नेक्स्ट है उसमें, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पेपर में आएगा. व्हाट आर लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस? तो द मेथड डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट डायमेंशनल कांस्टेंट के. पहला रूल बताया था, ये कांस्टेंट नहीं बताता. दूसरा, मेथड फेल्स व्हेन फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन थ्री. फिजिकल क्वांटिटीज ए बी सी तक तो काम करता है, उसके बाद चार पाँच छः क्वांटिटीज का रिलेशन नहीं निकाल सकता. नेक्स्ट है, to it fails to derive relationship which involves trigonometric logarithm या exponential function. बस simple simple है, log की term raised to power a की नहीं, sin x cos x किया ही नहीं, exponential किया ही नहीं, तो ये उनके लिए काम नहीं करता. तो ये limitations के लिए लिख लें, ये आ सकती हैं.
निशित लिख रहे हो? यस सर। आवाज नहीं आ रही, फिर से बोलना। यस सर लिख रहा हूँ। आपने कैलकुलस नहीं किया निशित? नो सर। तो आपको ना सुननी पड़ेगी वीडियोस, अभी मेरे को ना व्हाट्सएप करना, प्लीज सेंड मी वीडियोस ऑफ कैलकुलस, वो आपने पक्का सुनना है, इस हफ्ते पूरी कंप्लीट करनी है। ओके सर। ठीक है, या तो 12:30 आना पड़ेगा या वो वीडियो सुननी पड़ेंगे। आप वीडियो सुननी शुरू करो, ओके सर। कॉपी में नोट करके अगली बार लानी है, दो दो लेक्चर सुन के लाने हैं, ठीक है? हर एक मतलब ऑल्टरनेट क्लास में संडे तक करना है कंप्लीट। यस। ये लॉगरिथम, लॉग लिख दो, लॉग, लॉगरिथम का शॉर्ट फॉर्म लॉग्स होता है, लॉग। ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स जैसे किया था हमने कैलकुलस में भी, वो है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है। एप्लीकेशन नंबर 3 हमने कर ली, ये न्यूटन डाइन वाली जो मैंने एग्जांपल देना था दे दिया, सेम जूल अर्ग वाली एग्जांपल कर लिया हमने, अभी हमने किया ये लो, फाइंड वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट। अब ध्यान से, फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट। अब जूल तो ऐसा ही सिस्टम है, मिनट नहीं है, मिनट तो सेकंड में होता है ना, मिनट तो किसी खाते में है ही नहीं, ना सीजीएस ना एसआई में। ऑन अ सिस्टम दैट हैज 100 ग्राम, 100 सेंटीमीटर एंड 1 मिनट एज अ बेस यूनिट। वो कह रहे हैं जी मेरे को सीजीएस में लेके नहीं जाना, सीजीएस में तुम रट्टे वहां के बैठे हो कि 1 ग्राम होता है, 1 सेंटीमीटर होता है, 1 सेकंड होता है। कहता है जी मैंने ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट कन्वर्ट करना है जिसमें स्टैंडर्ड यूनिट 1 ग्राम नहीं है, 100 ग्राम है, जिसमें स्टैंडर्ड 100 सेंटीमीटर है और जिसका स्टैंडर्ड 1 मिनट है। ठीक है यहाँ तक? तो रूल नंबर 1, ये किस क्वांटिटी की बात हो रही है इसकी डिस्कशन पहले कर लेते हैं। 60 जूल पर मिनट को अगर मैं 60 सेकंड में कन्वर्ट करूं तो जूल पर सेकंड एनर्जी अपॉन टाइम वॉट्स, वॉट किसके यूनिट है? पावर के। तो ये पावर की बात हो रही है, पहला पॉइंट क्लियर है, क्योंकि हमें एबीसी की वैल्यू चाहिए होगी तो किसके किस क्वांटिटी को सॉल्व करोगे? पावर। पॉइंट नंबर 1 क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं पावर की, पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम करके हमने किया था, ये डायमेंशन फॉर्मूला था जिसमें ए क्या है 1, बी क्या है 2, सी क्या है -3। ये रूल क्लियर है यहां तक? फिर देख लो एक बार प्लीज, क्लियर है यहां तक? फिर आप एसआई सिस्टम में, क्योंकि जूल एसआई सिस्टम है, 1 वॉट एसआई सिस्टम है, एसआई सिस्टम के अंदर 1 केजी, 1 मीटर, 1 सेकेंड और पावर कितनी है इसमें? 1 वॉट। तो पावर N1 आ गया। लेकिन जो नया सिस्टम ऑफ यूनिट है, जो भी नया सिस्टम यूनिट सीजीएस है, उसमें M2 1 ग्राम नहीं लेने को कहा, 100 ग्राम लेने को कहा, जिसमें लेंथ 100 सेंटीमीटर, जिसमें टाइम 1 मिनट, लेकिन हमारे यहां क्या चल रहा है? सेकेंड। तो मैंने उसको कन्वर्ट कर लिया सेकेंड में, ताकि सेकेंड से सेकेंड क्या हो जाए? कैंसिल। यहां करना है यहां कर लो, नीचे करना नीचे कर लो, काटना तो पड़ेगा ही। क्या ये रूल क्लियर है यहां तक? फिर इसमें आपने पुट किया N1 1 केजी 100 ग्राम, 1 मीटर 100, 1 सेकेंड 60 सेकेंड, ABC सॉल्व करके आपके पास ये आंसर आएगा पावर का। आइडिया समझ में आ रहा है कि वो कैसे कन्वर्ट करने को बोल सकता है? ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे कन्वर्जन आ सकती है? ठीक है ना, इसे चेंज कर दिया हमने, चेंज करके ये वैल्यू आ गई।
पर मिनट गिवन था, जूल पर मिनट हो क्या क्वांटिटी होती है, अगर मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करें तो जूल पर सेकंड पावर होती है। पहले आइडेंटिफाई किया कि क्वांटिटी क्या है, पावर है 1 वॉट SI में, तो N1 1 हो गया, N2 निकालना है। अब अगर सिस्टम यूनिट जो नए बनेंगे उसमें 100 ग्राम 1 ग्राम की जगह 100 ग्राम लेना है, लेंथ 100 सेंटीमीटर लेनी है और टाइम 1 मिनट लेना है। तो मैंने 60 सेकंड में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि ये भी सेकंड वो भी सेकंड कट जाएगा, वो बस आंसर आ गया ABC पुट करके 1 वॉट है, N1 इसमें 1 वॉट है। हाँ क्योंकि ABC 0 हो जाएगा, एनथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, तो वो SI में और CGS में है, उसकी वैल्यू विल रिमेन सेम, फर्क ही नहीं पड़ रहा उसको। ठीक है यहाँ तक? ये तो की होंगी मैंने, नहीं की आगे की 100 100 कट गया। एक मिनट ठीक है, इसको थोड़ा करेक्शन कर लेना, ये मुझे पता नहीं मैंने क्या सोच के किया है, ये नहीं पता लगा मुझे, ये कटेगा इसमें, ठीक है ये भी सही है, इसका आंसर फिर ये नहीं आएगा क्या? आंसर भी आ रहा है, कैसे आएगा है आंसर? कैसे कट तो गया सारा कुछ यार, रह गया क्या यहाँ? 1 0 रह गई ना, 1 ही 0 रह गई। अच्छा वो क्यूब 60 × 60 × 60, अच्छा चलो चेक कर लेना जो भी आंसर आएगा, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है वहाँ पे। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, करना कैसे है? ठीक है इसको प्लीज़ खुद करना, ऐसे तो यार शाम हो जाएगी यार एक ही क्वेश्चन में, ऐसे तो कैसे चलेगा काम? ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 जूल ऑन अ सिस्टम। आपको ये नोट करने की जरूरत नहीं है प्लीज़, ऐसे तो यार नोट कर करके पागले हो जाओगे, मैं आपको शीट शेयर करूँगा इसकी, ठीक है इसका प्रिंटआउट दूंगा मैं आपको, चिंता क्यों कर रहे हो, उसके प्रिंटआउट दूंगा मैं आपको, जो मैं करवा रहा हूँ आपको दूंगा अनसॉल्व प्रॉब्लम। देखो आपको कहाँ काम करना है, आपको देख के क्या करोगे लिख के, बिना देखे वाला काम, इसके ऊपर अगली बार अनसॉल्व प्रॉब्लम होगा वो आप करके आना रजिस्टर में। तो इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट ऑन अ सिस्टम, ये हो गया। अच्छा ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 जूल ऑन अ सिस्टम which has 20 centimeter, 250 gram and half minute as a fundamental unit of length, time and time, length, mass and time. तो अब 100 joule है, energy की बात हो रही है, ML2T − 2, ABC आ गया। इसके बाद SI system में तो सब ठीक है, N1 क्या put करेंगे 100, N2 निकालने, और यहाँ पे वो कह रहा है mass होना चाहिए 250 gram, length होनी चाहिए 20 centimeter, time होना चाहिए आधा मिनट। हाँ 30 सेकंड लिख दो, कोई बात नहीं। N2 निकालना है तो फिर से पुट करेंगे 1 kg 250 ग्राम जो भी गिवन है, ABC पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। तो मेथड समझ में आ रहा है सबको कि कैसे क्या फॉर्मेट चल रहा है इसमें, ठीक है ये मैं आपको शीट का प्रिंटआउट दूंगा। व्हेन 1 मीटर 1 kg एंड 1 मिनट आर टेकन एज अ फंडामेंटल यूनिट, कह रहे जी अब मेरे यहाँ पर 1 मीटर चलता है, 1 kg चलता है, 1 सेकंड नहीं चलता, 1 मिनट चलता है, कोई बात नहीं यार, M1 1 kg 1 मीटर 1 सेकंड की जगह 1 मिनट। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 36 यूनिट, तो मेरे यहाँ फोर्स की वैल्यू 36 यूनिट है, तो N1 कितना है 36।
कह रहे हैं व्हाट इज द न्यू वैल्यू इन सीजीएस। अब सीजीएस में क्या होता है, 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड, और क्या निकालना है, एन टू, बात फोर्स की हो रही है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला में एम की पावर ए बी और सी कर लो 60, नीचे भी तो करना ही है 60 60, काटना तो पड़ेगा ही। पॉइंट क्लियर है यहां तक, जो गिवन है वो हमने लिख दिया, एन टू के फॉर्मूले में वैल्यू को पुट किया, कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा, केजी को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में, सेकंड में, फिर आंसर आएगा। तो समझ में आ रहा है सबको कि कैसे, जो जो देखो इसमें कुछ नहीं किया, जो जो जैसे जैसे गिवन है वैसे वैसे पुट करके आंसर आ गया, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक? ठीक है, ऑब्जेक्टिव शीट दी थी, एक मिनट देना, ऑब्जेक्टिव स्टार्ट किया आपने, नहीं करना स्टार्ट, ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव शीट स्टार्ट करो, एक मिनट चेक करो आंसर्स क्या हैं, एक सेकंड देना। देखो क्वेश्चन है, चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन रिलेशन, कितने लोगों का इनकरेक्ट आ गया, इसमें करना कुछ नहीं है यार, वैल्यूज पुट करनी है, एच की, सरफेस टेंशन की, कॉस थीटा का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, 1 नंबर होता है, 2 का 1, आर डी जी पुट करना, होमवर्क नोट करना, ये अपने होमवर्क करना है, ठीक है, सारे यहाँ से देख देख के ही लिखने हैं, अपने होमवर्क करना है, ट्राई करनी है ये शीट, मैं मेथड डिस्कस कर रहा हूँ। फॉलोइंग डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, ये भी आपका होमवर्क है, बस ये बता दो न्यू फॉर फ्रीक्वेंसी, इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा नहीं, मास का, एक्सेलरेशन का, लेंथ का और मोमेंट ऑफ एनर्शिया का, किया था एम इन टू एल स्क्वायर, पुट करके चेक करना है अपने घर पे, ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन भी होमवर्क है आपका। नेक्स्ट है, ये नहीं होगा आपसे, देखो क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज गिवन बाय एन, कह रहे कोई नंबर ऑफ पार्टिकल्स है एन जिसका ये फॉर्मूला है, आर क्रॉसिंग यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस इन यूनिट टाइम, तो एक्चुअल में एन का मतलब सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं है, एन का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है, तो एन का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर क्रॉसिंग यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है,
तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल तो नंबर है, कुछ नहीं होगा, एरिया का एल स्क्वायर होगा, टाइम का टी होगा, डायमेंशन फॉर्मूला। क्या ये पॉइंट क्लियर है? एन का डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है? क्योंकि अगर आप सिर्फ ये स्टेटमेंट पढ़ते हो फिर ऐसा लगता है कि एन का कोई डायमेंशन फॉर्मूला ही नहीं है, लेकिन अगर आप कंप्लीट पढ़ते हो फिर नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम हो जाता है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है, कह रहे एन वन एन टू आर, एन वन एन टू आर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो एन का मतलब एन वन एन टू नंबर ऑफ पार्टिकल नहीं है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम है। तो क्या बनेगा डायमेंशन फॉर्मूला? वन बाय एल क्यूब, एल की पावर माइनस थ्री। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? अब क्या क्वेश्चन है? एक्स तो एल होता है, एक्स हमेशा एल होता है। व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डिफ्यूजन कांस्टेंट डी? कह रहे डी का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ क्या होगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में डी को एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई, एन का मतलब हमने निकाला हुआ है, एन डायमेंशन फॉर्मूला बोरा, तो एन की जगह एन का डायमेंशन फॉर्मूला। एक्स एल होता है, ये भी एल होता है, एल में से एल गया, आंसर भी एल में ही आएगा। एन टू एन वन एन टू एल माइनस थ्री है, एन वन एल माइनस थ्री है, दोनों को माइनस करेंगे एल माइनस थ्री आएगा, इसे सॉल्व करके डी की वैल्यू आएगी, नेगेटिव साइन का कोई फर्क नहीं पड़ता इसे। समझ में आ रहा है कि ये कैसे क्वेश्चन करना है? घर पे ट्राई करना है, ये जस्ट मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि किस तरीके से आपको सोचना है, ठीक है? यहाँ तक ये होमवर्क ही आपका, आपको ट्राई करके आनी है, करेक्टनेस आप खुद चेक करोगे, करेक्टनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विच हैज फॉलन फ्रीली अंडर ग्रेविटी वेरीज एज, वेलोसिटी वेरीज एज, यानी कि प्रोपोर्शनल टू क्या? जी की पावर पी, एच की पावर क्यू, ठीक है? यहाँ तक क्या निकालना है आपको? आपको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। सिंपल है, कॉन्स्टेंट लगाया, वेलोसिटी एल टी माइनस वन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, हाइट एल है, पी और क्यू की क्वेश्चन बनेंगी, सॉल्व करके आंसर निकालना है, ये आपने ट्राई करना है ये भी, ठीक है? यहाँ तक अब इस टाइप की प्रॉब्लम को जरा ध्यान से देखना, ये देखो ये ट्रिक है, वेलोसिटी वी ऑफ द वॉटर, वेलोसिटी वी ऑफ द वॉटर मे डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ डेंसिटी एंड एक्सेलरेशन एस ए, यही हो रहा है इसका मतलब, फाइंड रिलेशन बिटवीन दीज क्वांटिटीज। तो आपको ये इक्वल टू करके एबीसी निकाल के फॉर्मूला निकालना है और फॉर्मूला एबीसीडी में मार्क करना है, राइट? बहुत लंबा तरीका है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, सब्जेक्टिव में ऐसे ही करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव में एक एक करके ऑप्शन उठाना है, क्योंकि अगर कोई फॉर्मूला करेक्ट है तो लेफ्ट और राइट की करेक्टनेस सही दिखाएगा। जैसे अगर आप मान लो ए ऑप्शन लेते हो, ए ऑप्शन में वेलोसिटी को पुट करते हो एल टी माइनस वन, के तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन को एल टी माइनस टू, लैम्डा को लेंथ माइनस वन का अंडर रूट, इसे सॉल्व करके आंसर टी की पावर माइनस वन आ रहा है, तो ये इनकरेक्ट आ रहा है। फिर आप क्या उठाएंगे? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी में ऑप्शन बी को लिखो, वेलोसिटी एल टी माइनस वन, जी का एक्सेलरेशन, लैम्डा का लेंथ रेज टू पावर हाफ, सॉल्व करके आंसर आ गया, टिक, आंसर करेक्ट है। ए बी सी के लिए सॉल्व करने बैठ जाओगे तो उलझ जाओगे ए बी सी में, जब आपको चार ऑप्शंस गिवन है कि कौन सा करेक्ट है, बस लेफ्ट और राइट की करेक्टनेस चेक करते रहो, आंसर आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आया ये ट्रिक क्या है? पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ये सबसे बड़ी है, ऑब्जेक्टिव में तो मजेदार है, सॉल्व भी नहीं करना ए बी सी के लिए, बस लेफ्ट और राइट चेक करते हो, जिसका आ गया डन, ठीक। आधे क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव में ऐसे हो जाने हैं, ये आप होमवर्क करेंगे इसमें, ये होमवर्क है, ये भी करेक्टनेस है, नहीं ये करेक्टनेस नहीं है, वो कह रहे हैं देखो, स्टील बॉल ऑफ रेडियस आर इज अलाउड टू फॉल अंडर ग्रेविटी थ्रू द कॉलम ऑफ विस्कस लिक्विड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, आफ्टर सम टाइम वेलोसिटी ऑफ द बॉल अटेन्स वीटी टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन, अब क्वेश्चन अब स्टार्ट हुआ है, टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन वेट ऑफ द बॉल एम जी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा एंड रेडियस आर। पहला तरीका रेज टू पावर ए, रेज टू पावर बी, रेज टू पावर सी, बहुत लंबा तरीका है, क्योंकि फॉर्मूला कौन सा करेक्ट है ये बताना है, करेक्टनेस चेक कर दो, ए ऑप्शन लो, ए ऑप्शन में वेलोसिटी एल टी माइनस वन है, कॉन्स्टेंट का कुछ नहीं, मास, एक्सेलरेशन, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, लेंथ, आंसर डन, टिक, खत्म,
बढ़िया है यार, ऑब्जेक्टिव में आए तो मजा ही आ जाए, कुछ नहीं करना, करेक्टनेस ही चेक करके आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? मतलब आपको क्वेश्चन समझ में कुछ भी ना आया, कुछ पता ही नहीं लगा क्वेश्चन में गए, तब भी आंसर आ जाएगा, करेक्टनेस को चेक करनी है इसमें। आंसर पॉइंट समझ में आ रहा है कि ऑब्जेक्टिव का पैटर्न कैसे रहेगा? एबीसी निकालने वाला नहीं रहेगा, सब्जेक्टिव का एबीसी निकालने वाला रहेगा, क्योंकि सब्जेक्टिव के अंदर टीचर आपको चार ऑप्शन नहीं देगा, वो फॉर्मूला बनाने को कहेगा। डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो ये होमवर्क करना है। कन्वर्ट वन एटमोस्फेरिक मतलब 10 की पावर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर SI इनटू CGS, आज किया हमने M1 L1 T1, ये होमवर्क करना है। तो N1 की जगह क्या पुट करेंगे? 10 की पावर 5। किस क्वांटिटी की बात हो रही है? फोर्स अपॉन एरिया, क्या एरिया? प्रेशर, फोर्स बाय एरिया प्रेशर। तो प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला यूज करके करना है इसे। समझ में आ रहा है होमवर्क? समझ में आ रहा है ना कि कैसे करना है इसमें? कोई डाउट इसमें? तो ये आपने ट्राई करना है, ये होमवर्क है, करेक्टनेस चेक करनी है इसमें। ये क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही लंबा क्वेश्चन है ये, इसको मैं नेक्स्ट टाइम ही बताऊंगा, अभी मत करना, जस्ट छोड़ देना इसे। एक्स की वैल्यू AT प्लस BT स्क्वायर है, एक्स मीटर में है, टी आर में है, बी के यूनिट्स क्या होंगे? अगर ये फॉर्मूले में एक्स मीटर में है यानी कि एल है, तो ये भी एल है, ये भी एल है, आपको बी का निकालना है। तो बी का कैसे निकलेगा? BT स्क्वायर एल है, टी स्क्वायर नीचे चला गया, तो BT रेज टू पावर -2, तो यानी कि लेंथ बाय सेकेंड स्क्वायर, यानी कि मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर या मीटर बाय आर स्क्वायर, तो मीटर बाय आर स्क्वायर इज द आंसर। तो कैसे चेक करना है समझ में आ रहा है? इसे डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं पूछा, इसने यूनिट्स पूछ लिए, तो ये सब करके आना है आपने ट्राई एक बार, राइट? ऐसे नहीं है आप पूरी शीट करके आएंगे, आपको हिंट दे रहा हूं कि मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, कि कैसे आपको ट्राई करना है। क्या आइडिया समझ में आ रहा है सबको? साइन वाला क्वेश्चन आज हमने कर लिया, ये ट्राई करना है आपने। सेम क्वेश्चन है, इस बार 2 sin cos है, तो आपने लिखना है ये जो एंगल देख रहे हो साइन के आगे, ये डायमेंशनलेस है, ये 1 हो जाएगा, और ये देख रहे हो ये एंगल, ये भी 1 हो जाएगा, एंगल को 1 पुट कर देंगे अपने आप, जो पूछे आंसर आ जाएगा। हिंट क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है, गिवन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल यूनिट्स ऑफ के, साइन स्क्वायर के अंदर जो एंगल है वो भी क्या है? 1 है, तो 1 है, के क्या है? 1/T है, 1/time क्या होता है? हर्ट्स होता है। आंसर सेम रूल है, ये पूरे का पूरा टर्म डायमेंशन लेस है, 1 है, तो ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा, इसको ये हिंट दे रहा हूं मैं आपको, ये आप ट्राई करेंगे। अगेन सेम, ये पूरे का पूरा एंगल है, एंगल डायमेंशन लेस है, बस फर्क ये है कि आप 2π/λ को इससे और इससे मल्टीप्लाई करके ओपन कर लेना, तो ये भी 1 हो जाएगा अलग से और ये भी 1 हो जाएगा अलग से। सी स्पीड ऑफ लाइट है लिखा हुआ, नहीं लिखा तो लिख लेना सी स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक? बस ठीक है, बाकी तो जो इक्वेशन है ही हैं, जो आखिरी क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन है, इसके कई पार्ट्स हैं। अब एक काम करना, इन पार्ट्स के लिए हिंट दे रहा हूं, इस इक्वेशन में करेक्शन करना, ये वी स्क्वायर है, वी टू नहीं है, करेक्शन करो, ये वी स्क्वायर है, ए अपॉन वी स्क्वायर कर लो प्लीज असाइनमेंट में। हिंट दे रहा हूं, आप इस ब्रैकेट को ओपन कर लेना, आप इस ब्रैकेट को ओपन कर लेना, तो बहुत सारी टर्म्स आ जाएंगी। इन टर्म में से जैसे पी फॉर प्रेशर है, वी फॉर वॉल्यूम है, तो ये क्वांटिटी आ गई। अगर इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला की वैल्यू ML2T-2 है, तो हर किसी की एग्जैक्टली सेम है, सारे पार्ट्स निकल आएंगे, कभी ए पूछ लेगा, कभी बी पूछ लेगा, कभी कुछ पूछ लेगा, आंसर निकल जाएगा। तो इस ब्रैकेट को ओपन करके करेंगे, ईजी होएगा। समझ में आ गया होमवर्क क्या करना है आपको? ये वर्कशीट आपको करनी है, डन। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन का काम खत्म है। अगली बार एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। शुरू शुरू में ठीक लगेगा, अच्छा लगेगा, जो प्रैक्टिस करेगा, जो प्रैक्टिस करना बंद कर देगा उसको दिक्कत लगेगी। स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स है ना, कार इज मूविंग विद दिस वेलोसिटी, स्कूटर इज मूविंग विद दिस वेलोसिटी, वो क्रॉस कर गए, ओवरटेक कर गए, इधर मुड़ गए, उधर मुड़ गए, तो फिर थोड़ा सा, या बॉल को ऊपर फेंक दिया, कैच कर लिया, कितने टाइम में बॉल क्या हुआ आपने 9th में, वो सेम ही है, बट आपको पता है वो न्यूमेरिकल में थोड़ा दम लगता है, करेंगे, क्या दिक्कत है? ठीक है, हो गया टाइम ना? ठीक, हाँ हाँ टेस्ट, ओ टेस्ट।